आईसीसी विश्व कप में शानदार आगाज के बाद सेमीफाइनल में शिकस्त मिलने पर अब विराट क्रिकेट की नजरें टी20 वर्ल्ड कप पर है, जिसकी शुरुआत तो अगले साल होगी, मगर इसकी तैयारी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ आज से टी20 सीरीज के पहले मैच के जरिए करेगी। ये मैच आज अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा, जिसमें सबकी निगाहें हिटमैन पर होंगी, क्योंकि वो आज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। आज से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम अपना अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के जरिए अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान देगी। 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम 8 बजे खेला जाएगा, जिसमें विराट ब्रिगेड के सामने वेस्टइंडीज की टीम को पछाड़ने की कड़ी चुनौती होगी। वेस्टइंडीज दौरे पर जाने से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि इन सीरीज का मकसद नए खिलाड़ियों को परखना है, जिनके नाम चयनकर्ताओं के जहन में है। इसीलिए 3 मैचों की सीरीज में युवा खिलाड़ियों को भी अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम सीरीज में जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन वेस्टइंडीज को टी20 में कम कतई नहीं समझा जा सकता। चलिए आपको बताते हैं कि आज भारत की टीम से कौन कौन से खिलाड़ी वेस्टइंडीज को टक्कर देने मैदान में उतरेंगे और वेस्टइंडीज की टीम में कौन से खिलाड़ी भारत को अपना दम दिखाएंगे। भारतीय टीम: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी। और वहीं वेस्टइंडीज की टीम में जॉन कैंपबेल, इवन लुइस, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, किरोन पोलार्ड, रोमन पावेल, कार्लोस ब्रथवेट, कीमो पॉल, सुनील नरेन, शेल्डन कोट्रेन, ओशेन थॉमस, एंथनी ब्राम्बले, जेसन मोहम्मद, खारे पियरे। यानी विराट सेना के इस अभियान में वेस्टइंडीज भी चुनौतियां देने के लिए तैयार है, तो भारतीय टीम को पूरी मजबूती के साथ फ्लोरिडा के लॉडर हिल के सेंट्रल ब्रॉवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में उतरना होगा। खैर, बात करें भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा की, तो मैदान में आज सभी की नजरें हिटमैन पर रहेंगी, क्योंकि वो इस मैच में एक कारनामा कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लोरिडा के मैदान पर आज हिटमैन को सिर्फ 4 छक्के जड़ने हैं और ऐसा करते ही वो इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। गेल अभी तक 58 मैचों में 105 छक्के जड़ चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा 94 मैचों में 102 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो अब रोहित गेल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। DB Live की रिपोर्ट।